ये जो दिखते हुए जा रही है ये मेरी ट्रेन है, लेकिन एक सेकंड, How did we get here? ये सारी की सारी चीज चालू होती है जब मैं था दिल्ली के अंदर, जब मैं निश्चय को मिलने गया था। Yes, मैं वहां पर 3 से 4 दिन रुका था एंड उसके बाद मेरा प्लान था मैं अपने भाई से मिलने जाऊँ झांसी में, तो मैंने एक ट्रेन बुक करी थी जो की थी वंदे भारत। ना देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ, इंडियन रेलवेज कभी टाइम पे नहीं होती है, बट फॉर सम रीजन वंदे भारत हमेशा टाइम पे चलती है यार, मेरे केस में तो हमेशा टाइम पे होती है। ना देखो, मैं रुका था पंजाबी बाग में और पंजाबी बाग से ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, उसको लगता है पहुंचने में एग्जैक्ट 1 आवर। एंड देखो, मैं बहुत सच बोलूंगा, मुझे रेलवे स्टेशन में बैठने में ना बड़ी आलस आती है, मुझे पसंद ही नहीं है रेलवे स्टेशन पे दो तीन घंटे बैठे रहना यार। तो इस बार मैंने ये सोचा कि यार, हर्षित मेरे साथ ऑलरेडी रूम पे रुका हुआ था क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था, मैंने बोला था भाई रात को तू स्टे कर लियो, सुबह अपन कोई कैफे वैफे में चलेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड फिर वहां से अपन निकल लेंगे। तो एग्जैक्ट इस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने 11 बजे अपने होटल से चेकआउट करा, मैं और हर्षित गए एक कैफे के अंदर, हम लोग वहां पर बैठे। एंड देखो, जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो मेरे मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने मुझे बोला कि यार तू कर क्या रहा है, तू अभी तक निकला नहीं है, तू एक काम कर जल्दी स्टेशन पहुंच जा, दिल्ली का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ट्रैफिक में, तू पहुंच जा वरना तेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। और देखो, अगर हमने पेरेंट की बात सुन ली तो हम दुनिया में कहां के कहां होते हैं ना, मैं तो आज डॉक्टर बना हुआ होता। तो देखो, मेरी ना एक आदत है कि मैं हमेशा ना ऑनलाइन ही बुक करता हूँ, तो मैं हमेशा उबर से बुक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने बुकिंग के लिए एप्लीकेशन खोली तो वहां पर मुझे दिखा रहा था कि रेलवे स्टेशन जो है वो 45 मिनट्स दूर है, 45 मिनट्स के अंदर हम आपको रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देंगे। एंड जनरली एप्स कभी गलत नहीं होती है, नहीं, बहुत गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि देखो, तुम तो ट्रैफिक को देखकर ये बता देते हो कि तुम 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे ड्राइवर को कौन बताएगा कि अपने गाड़ी के अंदर फ्यूल भर के रखना होता है यार राइड से पहले। मेरे को स्टेशन पहुंचना था, मैंने बुक करी कैब और कैब वाला आया 15 मिनट्स के अंदर अंदर। एंड आने के बाद भैया बोलते हैं चलो बैठ जाओ, बैठ गया मैं। आधे रास्ते पे उनको ये याद आया कि उनकी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, उस बंदे ने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पे लगा दी। हाँ, वो जो सीएनजी वाला सेक्शन होता है ना जिसमें सबसे ज्यादा लाइन लगी होती है, उधर ही लगाई। और अब मैं इनको बोल रहा हूँ अंकल प्लीज यार, अंकल प्लीज नहीं होगा, मेरे को जाना है, मैं नहीं पहुंचूंगा टाइम से। बोलते बेटा कोई बात नहीं है, मैं तेरे को टाइम से पहुंचा दूंगा। अरे अंकल कैसा टाइम से पहुंचाओगे, इधर आधा घंटा दिखा रहा है पहुंचने के लिए और आधे घंटे में तो ट्रेन निकल जाएगी। वो बोल ना बेटा शांति रखो, मैं पहुंचा दूंगा। देखो इस, हाँ, ये एग्जिट मोमेंट पे अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है ना, तो तुमको कैब से उतरना चाहिए, दूसरी कैब करनी चाहिए और उसको बोलना चाहिए तू अपना फ्यूल भरवा। लेकिन मैं एक अच्छा इनोसेंट सा बच्चा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी का मैं ऐसा रोजी रोटी छीन लूं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अंकल बोल रहे सही बोल रहे होंगे, भरोसा कर लेते। वेल, मुझे क्या पता था कि भरोसे का ये होने वाला है, क्योंकि देखो जैसे ही अंकल ने अपनी गाड़ी निकाली वहां से, इतनी स्पीड से भगाई है मैं बता रहा हूं, 2 बार ना दूसरी गाड़ियां हमको ठोक देती या ये किसी को ठोक देते, लेकिन इनको उसका कोई परवाह नहीं था, इनको अपनी ऊबर की रेटिंग अच्छी करनी थी और इनको मुझे टाइम से पहुंचाना था, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में सबको पता है, अगर गूगल मैप्स पे दिखा रहा है ना कि 20 मिनट है, तो 20 मिनट ही लगेंगे है, तुम उड़ के ही क्यों ना चले जाओ, और 20 मिनट में ही मेरी ट्रेन निकलने वाली थी। मैं कसम से बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा कलेजा ना दिल पे आ रखा था, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ रखा था और मैं पूरी तरीके से, भाई बस एक ही चीज था, बस मुझे अंकल पहुंचा दे, बस मुझे अंकल पहुंचा दे, कहीं धोखे नहीं कुछ हो ना, बस मैं जिंदा बच जाऊं। एंड उसी टाइम पे अंकल ने मार दी रेड लाइट स्किप, लिटरल स्किप। उन्होंने बोला भाड़े में जाए रेड लाइट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जाना है रेलवे स्टेशन टाइम से। उन्होंने रेड लाइट स्किप मारी, उन्होंने 2 लोगों को ऑलमोस्ट ठोक दिया था। एंड जब हम रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर पहुंचे तो मुझे पता चला कि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पार्किंग की फी लगती है, वहां पर तुमको टोकन लेके अंदर जाना होता है। भाई अंकल हैड गॉन क्रेजी, मतलब इस मोमेंट पे अंकल ने उधर लाइन में लगाई अपनी गाड़ी और लगाने के बाद टोकन को लिया, टोकन को लेने के बाद मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। अब मेरी ट्रेन को निकलने में बस 1 मिनट बचा था।
अंकल मुझे रोक के बोलते, बेटा ये जो बिल है ना इसको पे कर दो। मेरा अब कौन सा टोकन मैं पे करूं, मेरा तो पेमेंट भी ऑनलाइन है। बोलते नहीं 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 नहीं, देखो ये जो होते हैं ना टोकन, ये आप ही को पे करने होते हैं। मैंने बोला अच्छा मैं पे करूं ना, मैं पे करूं। मैंने उसका वो चिट्ठी उठाया, उसका QR कोड स्कैन मारा, अपना सामान उठाया और निकल लिया। मैंने बोला हाँ हो गया पेमेंट, जाओ हो गया। एंड मैं ये चीज को ना बिल्कुल ओवर करके नहीं बोल रहा, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जैक्ट ऐसा हुआ था। अब एक मिनट बचा है मेरे ट्रेन को, मेरा ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ठीक है, तो वो भी दूर है। एंड ऊपर से दिल्ली के स्टेशन में तुम्हारा सिक्योरिटी चेक भी होता है। मैं दो सामान को हाथ में लेके जो भागा हूँ, लिटरल मैं 10 kg का जो बैग था उसको लेके मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा। और एक मिनट बचा था ट्रेन को निकलने में। गेस व्हाट, मैं जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा मुझे ये दिखा। भाई जब तुम्हारे किस्मत पे कुछ लिखा नहीं होता है ना तो तुमको नहीं मिलता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो तुमको मिलने ही नहीं वाली वो चीज। भाई यार मैं इतना से रह गया हूँ, लिटरली मजाक नहीं कर रहा। एंड उसके बाद मैं इतना पैनिक करा, मैंने मम्मी को कॉल करा। मम्मी ने भाई डांटा नहीं, मम्मी ने बोला मैंने बोला था लेकिन चल कोई बात नहीं, अब पैनिक मत कर, अब जो दूसरी ट्रेन है जल्दी से जो झांसी जा रही है उसको बुक कर और वहां पर पहुंच जा। अगली ट्रेन, दो जो ट्रेन थी वो अगले 5 मिनट में जा रही थी। मैंने सोचा उसमें मैं बुक करवाऊ लेकिन उसमें बुक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो इमीडिएट तीसरी ट्रेन थी वो 1 घंटे में निकल रही थी। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जैसे ही मैंने उस ट्रेन को बुक करा मुझे उसका रनिंग स्टेटस पता चला, वो ट्रेन 3 घंटा डिले है। देखो मैंने तुमको बोला था इंडिया में ट्रेन कभी टाइम पे नहीं चलती है, एंड ये उसका ना प्राइम एग्जांपल है। ट्रेन चालू ही 3 घंटा लेट हो रही है। अरे यार मैं क्या करूंगा। मैं लिटरली 20 मिनट स्टेशन पे ना बैठने के लिए उधर कैफे में बैठा और अब मुझे वहां पर जाने के लिए 3 घंटा स्टेशन पे बैठना पड़ रहा है। कर्मा तो है, बट फिर क्या ही कर सकते थे यार। फाइनली मेरी ट्रेन आती है, मैं उसमें बैठता हूँ एंड उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ यार फाइनली झांसी के अंदर, जहां पर मैं अपने दोनों भाइयों से मिला। यार मैं खुश हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी ना ये एक वर्थ इट थी फॉर अ स्टोरी टाइम। एंड उसके बाद तुम आगे का व्लॉग एंजॉय करो। तो हेलो गाइस, कैसे हो एंड वेरी गुड इवनिंग तुम सभी लोगों को। कल रात को मैं 1:30 बजे आ चुका था यहाँ पर और अब तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम दिल्ली से अहमदाबाद जाने की जगह पे झांसी क्यों आए हो। तो ना मैं इसको मिलने आया हूँ, इधर आ तू इधर। यस, तो अपेरेंटली मैं इसको मिलने आया हूँ। ये देखो ये मेरा भाई है एंड ये मेरे एक वीडियो में भी आया था। आई वॉज लाइक यार अगर मैं दिल्ली जितना दूर आ ही रहा हूँ तो 4 घंटे दूर तेरे से मिलने नहीं आ सकता मैं, हैं वह हैं क्या कर रहा है अभी। देखो आज ये मुझे ये जो पूरा जगह है ना जहाँ पर हम झांसी में आए हैं ये पूरा घुमाने वाला है, ठीक है, घुमाएगा ना। तो देखो जैसे ही हम बाहर आते हैं ना ये पूरा सीन दिखने को मिलता है ना भाई, कितनी बढ़िया जगह है। और ये शायद से बैक एंट्रेंस है ना अपने यहाँ का। यस, अपना क्वार्टर है पूरा। अबे बहुत प्यारा गार्डन है ना यहाँ पर, तूने बहुत सारी चीज़ें प्लांट भी करी है ना हम लोगों ने। बता भाई कहाँ पर क्या है। ये हो गया, ये हमने ओके, ये क्लब है सीधा, ये कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पर तो खेलता है बैडमिंटन। पीस पार्क, ओके, शांति मिलती है यहाँ। पार्क नॉर्मल, ठीक है। रेलवे क्रॉस है, आपको ग्राउंड पिच है। अच्छा क्रिकेट ग्राउंड। इस तरफ मंदिर है, मतलब देखो तुम लोग समझ गए ये कितनी प्यारी और सुंदर जगह है। ये पूरा पता है जंगल की तरह ही है यहाँ पर। तो अभी ना हम एक ऐसी जगह पर आए जिसको देखने के बाद ना तुम्हारे मुंह से निकलेगा क्या निकलेगा भाई, तुम्हारे मुंह से, सबके मुंह से ये। यस, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। डक्का पॉइंट है, देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो तुम लोग। अभी इनका कुछ 1-2 महीने पहले बच्चा भी हुआ था। हैं? बच्चा हुआ था इनका? कहाँ है? बड़ा हो गया होगा मुझे क्या पता। देख रहे हो कितने प्यारे हैं। क्या हम किसी के पास जा सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड की बात मानते हैं बस। कौन सा वाले भैया की बात मानते हैं ये? कोई भी सिक्योरिटी वाले भैया वो हैं? बुलाना है किसी को? बुला लो। तो देखो हम ना भैया को बुला के लाए, ठीक है, ये हमको हेल्प करेंगे डक्स के पास जाने में। जा सकते हैं उसका आगे आगे भाग नहीं जाएगा वो।
आप ही बुलाओ ना एक बार। हाँ आपसे भी नहीं पकड़ते। अभी इनका खाना खाने का टाइम है नहीं, अगर इनका खाना खाने का टाइम होता तो भाई इनको हम अपने हाथों से खिलाते हैं ना, बढ़िया मजा आता। अभी तो भाग रहे, मैं अंदर नहीं आऊंगा यार पकड़ने तुमको। क्या नाम है इसका भैया? जो जो अभी तो गाइस देखो हम लोग आए हैं मंदिर पे। ये यहाँ का प्यारा सा मंदिर है जो कि अभी बंद है। यार बड़ा प्यारा मंदिर है ये तो, बढ़िया है। चल अभी सोने देते हैं है ना, भगवान को भी सोने देते हैं थोड़ा, अपन चलते हैं। ये था यहाँ का पूरा टूर जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। एंड थैंक यू भाई, मैं तेरे को जैसे बोला एक चॉकलेट दे दूंगा। सबके सब चोर हैं साले। तो देखो यहाँ से ना पूरा झांसी दिख रहा है, ठीक है, पीछे के तरफ। साला इतना चढ़ने में मैं खत्म हो गया यार, कैसे करते थे पुराने जमाने के लोग। नहीं यार देख लेते हैं। ओ भाई ये देख, ये होगी जेल, इधर से नीचे डाल देते लोगों को। अरे भाई बंदे को कितना बढ़िया व्यू आता होगा है ऊपर का। अरे भैया कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ये देखो गाइस ये है फोर्ट, ठीक है पूरा। और यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या डेडन हैं? ये लोग रुक क्यों गए यहाँ पर? टॉर्च चालू कर। चल चल चलो देखते हैं। गाइस देख रहे हो कैसे देख रहे हो तुम? ये देखो यार ये क्या है ये। आई होप कि तुमको स्टोरी टाइम बहुत अच्छा लगा हो। अगर तुमको स्टोरी टाइम प्लस व्लॉग एक्चुअली अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।